तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के ऊपर, आप INR के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसीज को डायरेक्ट INR के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं। नए हो हमारे चैनल के ऊपर तो आपको लाइक करना है ये वीडियो, इसके साथ साथ आपको सब्सक्राइब करना है चैनल। जैसे कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे भी शेयर करता हूँ वीडियोस के अंदर अगर आपके साथ, तो आपको पहले वो इन्फॉर्मेशन आ सकती है और आप अकॉर्डिंगली उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर। तो भाई सबसे पहले तो आपको लॉग इन कर लेना है, या फिर आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाइए जो कि www.binance.in करके या फिर binance.com करके वेबसाइट का एड्रेस है। वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको लॉग इन करना है। आपने अपने अकाउंट से रजिस्ट्रेशन करा होगा, एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड होता है जिससे आप अकाउंट को लॉग इन करेंगे। तो जब आप लॉग इन कर लेंगे, लॉग इन करने के बाद जो भी स्टेटस होगा आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि सारा ऊपर ऐसे आपको स्टेटस दिखेगा जब आप लॉगिन कर लोगे आप अपने अकाउंट के अंदर। तो भाइयों लॉगिन करने के बाद अब आपको जाना है ऊपर, यहाँ पे वॉलेट करके एक ऑप्शन आएगा तो वहां पे आपको जाना है। जब आप सिर्फ माउस के कर्सर को वहां पे ले जाओगे तो नीचे ड्रॉप डाउन आ जाएंगे, उसके अंदर आपको ओवरव्यू करके एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपना सारे अकाउंट के स्टेटस को आप चेक कर सकते हो। जो मल्टीपल अकाउंट स्टेटस होते हैं, जैसे मार्जिन अकाउंट होता है, स्पॉट ट्रेडिंग अकाउंट होता है, फ्यूचर अकाउंट होता है, अर्निंग अकाउंट होता है, तो ऐसे काफ़ी सारे अकाउंट्स को आप एक ओवरव्यू में जाके आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे आप आ जाएंगे ओवरव्यू के अंदर, तो ओवरव्यू में आपको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ये सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि फ्यूचर, मार्जिन, स्पॉट अकाउंट, रीबैलेंसिंग बॉट, फंडिंग, अर्निंग, तो ये सारे अकाउंट्स हैं यहाँ पे। आपको क्लिक करना है फंडिंग के ऊपर। फंडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बाय सेल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप बाय सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो खुलेगी जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज को INR के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो USDC कॉइन है, BTC कॉइन है, यहाँ पे BUSD कॉइन है, BNB कॉइन है, इथेरियम है, कार्डानो है, TRX है, शिबा इनू कॉइन है, मैटिक कॉइन है, WRX कॉइन है, XRP है और सोल कॉइन भी है। तो ये अभी करेंटली इतने ही कॉइन्स हैं जिनको आप INR के अंदर डायरेक्टली अपने अकाउंट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब भी आप आओगे, जैसे मैं अब आपको इनिशियल बता रहा हूँ, मैं USDT बेचता हूँ जैसे, तो यहाँ पे आप USDT पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपको जैसे 100 रुपीज़ के INR 100 INR के आपको USDT बेचने हैं। तो मतलब आपको 100 रुपये चाहिए आपको अपने INR बैलेंस के अंदर और आपको उतने ही इक्विवेलेंट के USDT बेचने हैं, तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये डाल दिया है। तो 100 रुपये डालने के बाद मैंने यहाँ पे अपना एक बेसिकली चेक किया और फिल्टर लगाया है यहाँ पे, तो ये एक अकाउंट आया है जो $88.3 के हिसाब से USDT का कॉइन बेच रहा है सेलर यहाँ पे। तो मेरे को अपने अकाउंट के अंदर बेसिकली ये चाहिए पैसे, तो ये मैं अब यहाँ पे मैंने मिनिमम 100 INR पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो 100 INR पे जो मेरे को USDT का रेट मिल रहा है वो 86.10 का रेट मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूँगा। सेल पे क्लिक करने के बाद सपोज करो यहाँ पे आपको एक नया विंडो खुलेगा जिसके अंदर सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको एक नया विंडो दिखेगा जिसमें आई वॉन्ट टू सेल USDT करके एक आपको ऑप्शन आ रहा होगा, या फिर आई वॉन्ट टू रिसीव, या कितने रुपए आपको चाहिए। तो जैसे मेरे को 100 रुपए के USDT बेचना है तो मैंने यहाँ पे 100 रुपए लिखा, तो करेंटली मेरा जो USDT उसको जाएगा वो है 1.16 मेरे को USDT उसको देना है ताकि मेरे पास मेरे अकाउंट के अंदर 100 रुपए आ सके। तो यहाँ पे मैं इसको सेल के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ से उसके पास ये सेलिंग के लिए चला जाएगा और जो भी आपने अपने अकाउंट्स की डिटेल नीचे मेंशन करी होगी वहाँ पे आपको ये अकाउंट के अंदर आपको पैसे आ जाएंगे। और इसकी जो फीस है अभी फिलहाल वो 0 रुपीज़ है, कोई फीस नहीं है बाइनेंस के ऊपर। ये बेसिकली P2P ट्रेडिंग का एक ऑप्शन है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और
इसी के बारे में मेरे को आपको वीडियो के अंदर बताना था। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं क्वेरी को, ताकि मैं आपको फिर बता सकूं कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। और याद से लाइक कर देना वीडियो, जिसने भी लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो आप करना ही है अगर आपको अच्छी लग रहा है ये वीडियोज़। और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है मेरी तरफ से, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।